एक मूवी जिसने हमें बताया कि कैसे दिल्ली में मेट्रो आ गई है। हम सब मेट्रो रेलवे के बारे में ही बात कर रहे हैं। चल तुझे मेट्रो ट्रेन की सैर कराऊं। ट्रेन तो ट्रेन, स्टेशन कितना अच्छा बनाया है। अरे यार क्या चीज बनाई है भारत सरकार ने। अब जब इतना हो गया था तो एक गाना भी चला ही देते। मेट्रो ने सारे दिल्ली चमकाई है। पैंचो इस मूवी से अच्छा तो ये गाना है सच में। मैंने भी सेम सोचा। फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ मूवीज जिन्हें लड़की चक्कर दिखाना काफी पसंद है, जिनकी मूवीज की रात कभी नॉर्मल नहीं होती। इतनी लाइट बेंचो, क्या एलियन विलन आ गए क्या बाहर? और जादू दूनी भोसड़ी के बेवफा मिली सहाई फैमिली से, जिसमें मिस्टर सहाई अपनी फॉरेनर वाइफ के साथ, जिन्हें हिंदी सीखने का काफी शौक है। Tell me what this means. I know what it means. एक ही भगवान है, just one God, जिसका नाम सत्य है। He is the truth. वही करने वाला है। He does it all. जिसे ना किसी का डर है। He doesn't fear anyone. अरे बस चुप कर जा बुढ़िया। ना किसी से बैर है। प्रसाद खाओ। इनकी फैमिली दिन में पूजा करती है और रात में अपने पड़ोसियों को तंग। अबे सो जाओ यार। लेकिन सहाई फैमिली हमसे कुछ कहना चाहती है कि हम कनाडा में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। कहने आ रहे समझ गए भाई, बार बार ये झंडा दिखाने की क्या जरूरत है। ओ वैसे कनाडा से याद आया, मूवी में एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन इंडियन राजा, जिसका चक्कर है मिस्टर सहाय की बेटी अंजलि से, जो शायद रात को ही मेकअप करके सो जाती है ताकि सुबह उठकर वो जल्दी से राजा से मिल सके। हाँ इंडियन राजा, कल के चमकते सितारे। पर अंजलि के घर वाले राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि राजा जस्ट अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन। लेकिन जिस तरह इंडियन राजा अपना इरेक्शन कंट्रोल करता है, वैसे ही सिचुएशन को भी कंट्रोल करने आती है अमेरिका से अंजलि की प्रेग्नेंट बहन आरती, जो करेगी अंजलि के रिलेशनशिप में उसकी मदद। ओ दीदी, मैं जानती थी तुम परफेक्ट सोल्यूशन निकालोगी। पर अपनी फैमिली को कन्विंस करने से पहले, बताइए तो आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं। और फिर राजा अपना बाजा बजा के करता है आरती को इम्प्रेस। लेकिन सब बदल जाएगा जब कहानी में एंट्री लेगा आरती का हस्बैंड आदित्य, एक रिच बिजनेसमैन जिसे अपनी फैमिली की घंटा नहीं पड़ी क्योंकि वो पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है जिसके लिए उसे हमेशा वर्ल्ड टूर करना पड़ता है। मुझे फिर से वर्ल्ड टूर के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन आदित्य आरती को अपनी वाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल असिस्टेंट समझता है। बहुत मिसेस सहनी से वेल ट्रेंड वाइफ कोई नहीं है। ऐसा ट्रेन किया इस पंजाबी आदमी ने, हमेशा चुपी रहती है। मैं तभी पहुंचता हूं जब वो सारी टेंशन खुद ही हैंडल कर चुकी होती है। शी इज अ डॉल। लेकिन इससे पहले आदित्य और अंजलि आरती से मिले। मैं जानती थी तुम परफेक्ट सोल्यूशन निकालोगी। जब वो सारी टेंशन खुद ही हैंडल कर चुकी होती है। और अब आरती के चले जाने से सभी काफी दुखी है। लेकिन फिर अंजलि के पापा उसे आरती के बच्चों को संभालते हुए देख लेते हैं और सोचते हैं कि अंजलि की शादी अगर आदित्य से करा दे तो बच्चों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो सोचो बेटी, वक्त लगाकर सोचो। और अब अपनी लाइफ को डिसाइड करने के लिए अंजलि के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, इसलिए वो पहले देखती है राजा की कॉल को और फिर अपनी बहन को, फिर से राजा की कॉल को, अपनी बहन को, राजा के। अबे जल्दी करना। और अब आदित्य अंजलि को दिल्ली ले आता है ताकि वो बच्चे से उसके बच्चे संभाल सके और वो आराम से अपना काम कर सके। काम बहुत ज्यादा है सच में, भाई को इतना काम है कि भाई को तो सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती। बेंचो कौन सा काम है ये? पर आदित्य अभी भी आरती को भुला नहीं पाया है। पर भाई ने जीते जीत उसे भाव नहीं दिया। पर अब उसके मरने के बाद और अब आदित्य को दिखाई देती है आरती की आत्मा, जिसे शायद अच्छे से पता है कि घर में सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ आती है। इवन आदित्य तो अंजलि को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकता क्योंकि बहन वहीं आ जाती है। एंड अंजलि भी लाइक क्या हो रहा है। और अब ऐसी आदित्य के बच्चे संभालते हुए 3 साल बीत जाते हैं और इतने सालों से अपने आप को आदित्य से इग्नोर होते देख अंजलि अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती जब तक एक पड़ोस की रैंडम आंटी उससे ये नहीं कहेगी, 3 साल में ये इतनी बोर्ड हो गई है तो सारी जिंदगी कैसे कटेगी। और वो फिर सीधा जाती है आदित्य के पास उससे बताने की कैसे अंजलि आपकी राह देखते देखते मर गई और मैं भी आपकी राह देखते देखते एक दिन मर जाऊंगी। और अब अंजलि की बातों से आदित्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब अपनी इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए एक डिसीजन लेगा कि अब से उसकी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली फ्रंट सीट लेगी। दे आर गोइंग टू बी माय प्रायोरिटी। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार जर्मनी होकर आ जाऊं। मैं ये सरप्राइज अपनी वाइफ को तब दूंगा अब मैं जर्मनी से जब लौट कर आऊंगा। इट्स नेवर टू लेट, इज इट? लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद बैकसीट पर आने वाला है क्योंकि पुरानी आग को फिर से भड़काने आ चुका है इंडियन राजा, जो अब एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है। इसलिए वो अकूस्टिक छोड़ इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है बिना बिजली वाला, जिसकी फैन फॉलोइंग यूथ से ज्यादा अंटियों में है। इंडियन राजा, ओह माय गॉड, यू आर सो हॉट, हॉट लगानी है। लेकिन राजा सिर्फ अपने कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली नहीं आया, वो आया है अपने पुराने प्यार से मिलने, जिसे वो एक दिन चूना रगड़ते हुए ढूंढी लेता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलोगी ना? और जब वो उससे मिलने आती है तो भाई कहता है कि तुम बेवफा हो। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि अंजलि की शादी के लगे पड़े हैं, ये
तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। और फिर दोनों छुपकर मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके रोमांस को ब्रेक लगाने आ चुका है आदित्य, जो कि इस बार अकेला नहीं किसी के साथ आया है। मैं दिल हूँ, दिल अरोड़ा, और उसका भावे यो के प्रति प्रेम। जहाँ वो अंजलि को भाभी नहीं, मैं आपको भाभी नहीं कहूँगा, वो शुड आई कॉल इट। तो क्या भाभी माँ? और आदित्य के लिए तो जैसे ये सब रोज का है। फनी गाय। और दिल की वाइफ पल्लवी, कॉल मी पल्लव। ये कैसा कपल है जिसकी बकचोदी कहीं भी शुरू हो जाती है। I'll bite you. I'll spank on your butt. लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। मैं तुम्हारी गोद में क्या कर रही हूँ डार्लिंग? गोद में तो मुझे आदित्य के बैठना चाहिए। अंजलि, इनके ह्यूमर को सीरियसली मत लेना। है ह्यूमर? लेकिन अब जर्मनी से आने के बाद आदित्य बदल चुका है। जो आदमी जर्मनी गया था वो कोई और था, जो लौट कर आया वो कोई और है, इसलिए वो अब अंजलि के पीछे ही रहता है। हमेशा की तरह आपके पीछे, हमेशा की तरह आपके पीछे, मैं आपके पीछे हूँ। और आदित्य के दोस्तों ने तो कसम खा रखी है कि वो तो अंजलि को एक्सपोज करके ही छोड़ेंगे। अब आप ही बताइए, आप आदित्य के अलावा किसी और से मिलती है? मुझे मालूम है आप किसी से नहीं मिलते। और इधर पल्लो, कॉल मी पल्लव, मतलब पल्लवी, और उसका अंजलि के प्रति दो कपों वाला ऑब्सेशन। दो दो कप में कॉफी पीते हो? दो अलग अलग कप में? क्यों दो दो कप में कॉफी पीने वाली तमाशा कर दूंगी। बेंचों क्या चाहिए इन दोनों को। और अब इन सबसे परेशान होकर राज और अंजलि भागने का डिसाइड करते हैं। तैयार रहना। लेकिन इससे पहले सावधान इंडिया का एपिसोड बन जाए, मिस्टर सहाई पहुंच जाते अपनी बेटी को उसके संस्कार याद दिलाने। हमने तुम्हें जो संस्कार दिए, तुमने किस खूबी से उन्हें निभाया, तुमने इस घर को कितनी अच्छी तरह बसा लिया। तुम्हारा ये घर ऐसे ही फलता फूलता रहे, कभी कोई आंच ना आए। और अब अपने पापा की बातें सुनकर अंजलि कंफ्यूज है, लेकिन इधर इंडियन राजा प्लान के मुताबिक अंजलि के साथ जाने के लिए एक्साइटेड है। दोनों टिकट भी आ गई है मॉन्ट्रियल की, चलेंगे अपनी दुनिया में, भूल जाएंगे सब कुछ, अपने संस्कार भी। और अंजलि राजा को कह ही देती है, मैं नहीं आ रही हूँ। क्या बात है, जब भी मेरा घर बसने जाता तुम्हें दुनियादारी की सारी बातें याद आ जाती। He's got a point, अंजलि। पर अब राजा इस ना से ना खुश है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अंजलि अपना मन बना चुकी है। मैं जा रही हूँ। पर अब इससे राजा को गुस्सा चढ़ता है और वो सीधा जाता है अपने कॉन्सर्ट में, ताकि वो भरी ऑडियंस को ये बता सके कि और अब राजा दिल की गांड तोड़कर उसे तमीज सिखाता है। अभी मैं आज आपको बैप्स नहीं बुलाऊंगा। तो मतलब कल कहेगा। लेकिन यहाँ तो आदित्य को सब कुछ पहले से ही पता है। मैं सब जानता हूँ, शुरू से सब कुछ जानता हूँ। पर कब और कैसे ये तो शायद भैंचो आदित्य को भी नहीं पता। ये मैंने नहीं सुना। पर अब एक बार फिर से अंजलि को KBMP खेलना होगा। और अब बस अंजलि को दोनों में से किसी एक को चुनना है। तुम अब भी सोच रही हो? लेकिन फिर अंजलि आदित्य के बच्चों को सीढ़ियों से आते हुए देखती है, जिन्हें देखकर वो राजा को कहती है, एक माँ अपने बच्चों से कभी बेवफाई नहीं कर सकती है। और अब दूसरी बार भी अपना कटवाने के बाद राजा वापिस कनाडा जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो हम सभी सिंगल्स को एक मैसेज देना चाहता है। जो भी कुदरत का फैसला होता है हमें चुपचाप मान लेना चाहिए। जो एक दिन आपको बेइंतहा प्यार करने वालों से जरूर मिलाएगा वो आएगी। लेकिन अंदर ही अंदर राजा का दिल टूट गया, उसका घर जल गया, वो अकेला हो गया, जरूर आएगी। अरे भाई तो अपना टिकट पकड़ और निकल। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटा जिसके साथ आज तुम दिलरुबा खेल रहे हो ना, कल उसे ही देखकर तुम बोलोगे बेवफा, बट आफ्टर ब्रेकअप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके तो तुम्हें जाना ही है, पर साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूल जाना, वरना मैं समझूंगा कि तुम बेवफा हो, क्योंकि सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूं। और फिरंगी आंटी की कोचिंग क्लासेस लेना मत भूलना, राइट आंटी? स्पीक टू मी इन हिंदी। ठीक है आंटी।